हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं बंद दरोगा परीक्षा के बारे में। परीक्षा 2022, क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको कि इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी वो दोस्तों आपको 3 तारीख को हुई थी, 3 मार्च को। तो देखिए, बच्चों बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? तो देखिए, इसी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा आपकी हाई गई है, और मात्र 19,227 बच्चों को आपको लिया गया मुख्य परीक्षा के लिए। और आपको पता होगा उसमें आपकी 25 किलोमीटर रनिंग भी है, तो वहाँ भी बहुत बच्चे बाहर होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बच्चों ने फॉर्म भरे थे, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रखा है, मैं पेपर दूँ या ना दूँ बंदरगाह का, और बोला था मेरा 78.5 मार्क्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यही देख लीजिए कि इसने फॉर्म भर दिया, इसने कुछ नहीं किया, केवल एक बच्चे की सीट खराब की है इसने, इसने फॉर्म भरा है। ठीक है, क्या होगा बाद में, इसको बाहर कर दिया, चाहे नंबर 100 में 100 लेके आए, लेकिन बाद में इसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आयोग ने गलती यहाँ पर ये की है कि जब फॉर्म भराए गए थे तो उनको एक डॉक्यूमेंट अपलोड कराना चाहिए था ग्रेजुएशन का, यानी कि मार्कशीट या डिग्री। उससे क्या पता चलता है, जो सबमिट मांग रहे हैं वो उसके पास है नहीं, कन्फर्म हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बीकॉम वाले हो गए, बीए वाले हो गए, कि उनको पता नहीं समय फॉर्म उन्होंने भर दिया है, ठीक है, लेकिन पेपर दे देंगे लेकिन बाद में उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसलिए जो आपके योग्य छात्र हैं, मतलब बीएससी वाले या बीटेक वाले, वो इससे बाहर हो गए। पहला मुद्दा दोस्तों ये है कि सही से जांच होनी चाहिए थी, और दूसरा मुद्दा बच्चों का ये है कि जो कट ऑफ कम की जाए, क्योंकि पता होगा इसमें आपका फिजिकल भी होने वाला है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे आपके बाहर हो जाएंगे। हो सकता है जो आपकी 701 सीटें उसमें से कुछ सीटें आपकी खाली रह जाएँ, क्योंकि पता होगा पहली बार भर्ती आपकी आई है बंदरगाह की यूपी में। तो देखिए, मान लो अगर भर्ती खाली चली जाती है, मान लो 100-200 वैकेंसीज में से, तो आने वाले कम से कम 4-5 साल तक बंदरगाह की नई भर्ती आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए होगा। तो इसलिए दोस्तों कल यानी कि आपका 13 मार्च को कुछ बच्चे आपके आयोग जाने वाले हैं, इसी को लेकर वहाँ सचिव साहब से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अगर आप लखनऊ के आसपास के एरिया में रहते हैं, और अगर चाहते हो कि बंदरगाह की कट ऑफ जो कम की जाए और जो बीकॉम वाले इनको बाहर किया जाए, तो दोस्तों आप लखनऊ जा सकते हो कल, ठीक है, सुबह 8 बजे, अगर लखनऊ के आसपास के एरिया में आप रहते हो तो। यही दोस्तों जानकारी आपको देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।